हेलो एवरीवन, लेजर हेयर रिडक्शन। कितनी बार हम अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसी पोस्ट देखते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन इस प्राइस में हो रहा है, लेजर हेयर रिडक्शन के ये बेनिफिट्स हैं, और फिर हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं जिन्होंने लेजर हेयर रिडक्शन एक्सपीरियंस किया है, और कुछ लोगों ने नहीं किया है पर वो आपको अपना ओपिनियन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल बेकार है, हमने कराया था, हमने सुना है ऐसा है वैसा है, और कुछ आपकी फ्रेंड्स कहती है कि नहीं, दिस इज़ वन थिंग विच यू मस्ट डू, ये तो बिल्कुल सोचो ही मत कि नहीं करना, और आप हो जाते हो कन्फ्यूज्ड, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कराऊं लेज़र हेयर रिडक्शन या ना कराऊं। सो आज का वीडियो है 5 बेनिफिट्स ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड दैट इज़ वेयर यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन whether to go for laser hair reduction or not. अब 5 benefits बताने से पहले एक बहुत interesting fact आपको बताती हूँ। You know, the first commercially laser available for laser hair reduction कब हुआ था? It started in 1995 in USA. So आप सोचो कि it's not a new technology. India में awareness अभी आई है, India में technology नहीं अभी आई है, पर it is very safe, it's been used in the USA for a long period of time. Any medical technology cannot come to the market if it is not safe. So safety wale index pe to doubt hi mat karo. If the clinic which you are going to is using a good machine, then you should not be bothered about safety. So lasers are perfectly safe. Now what are the other benefits? The first important benefit is it is a permanent solution. Waxing is a recurrent cost. आप हर महीने एक दिन चूज करते हो, फिर आप सोचते हो नहीं आज नहीं मैं जा पाऊंगी, चलो अगली बार जाऊंगी, और कभी आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो यू हैव टू रश टू द पार्लर फर्स्ट, गेट योर वैक्सिंग एंड देन गो समवेयर। सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ता है एक ड्रेस पहनने के लिए भी या कहीं जाने के लिए भी। लेज़र के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज सिर्फ लेज़र हेयर रिडक्शन ही ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बालों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेंज कर सकता है। अप टू 70% रिडक्शन इन जस्ट 6 सिटिंग्स, एंड ऑब्वियसली उसके बाद आपको सिर्फ मेंटेनेंस सिटिंग्स लेनी पड़ती है, और वो भी कुछ लोग 6 मंथ्स में एक बार लेते हैं, और कुछ लोग को इतनी कम ग्रोथ हो जाती है कि उनको 1 साल में लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो थिंक हाउ मच टाइम यू आर सेविंग, हाउ मच एफिशिएंट यू कैन बिकम, कहीं भी जाना है यू आर एवर रेडी। सेकंड, पेन। वैक्सिंग के लिए जाने के लिए पहले आपको अपना माइंड बनाना पड़ता है, अच्छा अब इतना दर्द होगा, वो इतनी गर्म वैक्स लगाएंगे, फिर वो उसको पुल करेंगे, तो वो जो दर्द होगा वो आज मुझे सहना है। एंड As soon as you go there, you keep on telling, please थोड़ा आराम से करो, थोड़ा धीरे करो, थोड़ा ऐसे करो। Pain, 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 pain बहुत ज़्यादा हमें problem करता है, but laser, it's one of the most painless treatments. It's like a cakewalk. कोई pain नहीं, कोई uncomfortable feeling नहीं, in fact जहाँ आपको हल्की सी sensation भी होती है वहाँ हम उसको numb कर देते हैं, especially underarms and bikini area, so it is actually सो हैसल फ्री, सो पेन फ्री कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी पूरी फुल बॉडी भी हो गई और आपका एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। थर्ड इज हैसल फ्री, नो स्टिकी वैक्स, नो ऑल दो स्ट्रिप्स विच आर गेटिंग पुल्ड, गरम गरम वैक्स लगाना, ये सारा हैसल होता ही नहीं है लेज़र में। इट इज़ अ सिंपल टेक्निक वे वी अप्लाई अ माइल्ड जेल एंड जस्ट रन द लेज़र मशीन लाइक आप कोई वॉक कर रहे हो आपकी बॉडी के ऊपर। इट्स सो सिंपल, द मशीन जस्ट वॉक्स एंड स्टार्ट्स किलिंग योर हेयर फॉलिकल्स, इट इज दैट सिंपल। सो पेन एंड हैसल बहुत ज़्यादा जो हमारा वैक्सिंग और इस तरह के प्रोसीजर्स में रहता है, लेज़र हेयर रिडक्शन में बिल्कुल नहीं रहता। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनग्रोन हेयर। याद है आपको जब आप वैक्सिंग वगैरह कराते हो और उसके बीच में आपके इनग्रोन हेयर हो जाते हैं, और फिर कई बार तो वो पॉलिकुलाइटिस बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और पूरी कई बार लेग्स कवर हो जाती है, एंड यू इवन आफ्टर गेटिंग दी वैक्सिंग डन यू कांट वेयर ड्रेसेस बिकॉज वो सारे लेग्स पे मार्क्स हुए हुए हैं ब्लैक कलर के बिकॉज ऑफ द इनग्रोन हेयर, कई जगह इन्फेक्शन हुए हुए हैं। पर लेज़र से ऐसी कोई भी इशू नहीं आती बिकॉज लेज़र बीम स्किन के लेवल को पेनिट्रेट करके सीधे हेयर फॉलिकल को टारगेट करती है, जिससे आपके जो हेयर फॉलिकल है वो वीक हो जाता है और शेड हो जाता है। सो इनग्रोन हेयर होता ही नहीं है लेज़र के साथ। अब
फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको वेदर का मोहताज नहीं होना पड़ता लेज़र कराने के लिए, किसी भी वेदर में हो सकता है। अब जैसे अगर आप वैक्सिंग कराते हो तो बारिश का मौसम है, सो यू द पार्लर पर्सन विल से नहीं आज तो मॉइस्चर बहुत है एनवायरनमेंट में, तो हम आपकी वैक्स लगाएंगे तो वो स्टिक हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म वैक्स लगाते हैं, फिर वो उसको उतनी ही स्ट्रेंथ से पुल करते हैं जिससे एक तो स्किन में एलर्जिक टेंडेंसीज हो जाती है, सेकेंडली स्किन में पिगमेंटेशन का भी इशू आता है। सो ऐसे केसेस में बहुत ईजीली आप लेज़र हेयर रिडक्शन कर सकते हो। लेज़र हेयर रिडक्शन किसी भी वेदर में किया जा सकता है। सो ये फाइव बेनिफिट्स, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट मैंने आपको आज मेन फाइव बेनिफिट्स बताए हैं। इन फाइव बेनिफिट्स के हिसाब से इट इज़ वेरी क्लियर दैट यू कैन ईजिली गो एंड इन्वेस्ट इन लेज़र हेयर रिडक्शन एंड बी हैसल फ्री, हेयर फ्री फॉर योर लाइफ टाइम। होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स। बट इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डोंट थिंक कि मेरा क्वेश्चन स्टूपिड है या मेरा क्वेश्चन इररिलेवेंट है। सबका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई विल मेक श्योर दैट आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग लेज़र हेयर रिडक्शन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ पुट अप इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल मेक श्योर दैट वी आंसर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।